हम कौन है? हम में कुछ लोग हैं, हम में एक प्रथम है मेरा मन, मुन्ना छोटा बेबी, प्यारा बेबी, सारे टाइम हल्ला गुल्ला, उसको सिर्फ इतना पता है कि कुछ खाया जाता है सुसुपट्टी करते सो जाओ, चीजें तोड़ दो, खराब कर दो, मस्ती मारो, रो पिटो, कलेश मचाओ, पागल होते रहो, हर समय कुछ खाना है, कुछ पाना है, पता है नहीं, संभालने की अकल नहीं है। यानी जन्म से ही हमें एक संस्कार देने वाला, नीचे के चक्रों को ताकत देने वाला मन मिला है, जो कहता है भैया सब कुछ मिला है, मुझे दे दो, नहीं दोगे तो पापा गंदे, मम्मा गंदी, वो फटाफट यही करता है। वो कहता है हेलो प्यार करो मुझे, तुम प्यार नहीं करोगे तो तुम्हारी गोदी नहीं आऊंगा। ये हमारा मन है मुन्ना, ये हमें जन्म से इसलिए मिला है कि हमारा नीचे की क्रिया करने वाले सारे चक्र ऑटोमेटिक चले। धीरे धीरे समय के साथ हमारे मोटर कंट्रोल्स ऑन होते हैं, क्योंकि उस मुन्ना को ट्रेंड करते हैं बड़े लोग। अब वो ट्रेंड होता कैसे है? कुछ बच्चे ट्रेंड नहीं होते, कुछ हो जाते हैं, कुछ बच्चे थोड़े ट्रेंड होते हैं, पूरे नहीं होते। तो ट्रेनिंग देने वाला जो गुरु है, जो प्रथम गुरु माता पिता है, वो पहले बच्चे को ट्रेंड करते हैं, पर मानता तो है नहीं मुन्ना, ये तो नीचे के चक्र का मालिक है। ये कहता है नहीं, मेरा घोड़ा टिक टिक घोड़ा, मैंने दौड़ना है, इधर जाना है, उधर जाना है, मैंने तोड़ना है, फोड़ना है, कहीं भी सुना है, कोई तमीज नहीं है, कोई तरीका नहीं। छोटे बच्चे तो अलाउड है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं अभी नादान है। बड़ा भी अगर यही काम करे तो पाप थोड़ी, छोटे को प्यार करते हैं हम, कहीं भी सो जाए, कहीं भी सुसु कर दे, कोई बड़ा करेगा थोड़ी कोई प्यार करेगा, उसे छित्तर पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं, ये मुन्ना ट्रेंड होना चाहिए। ये ट्रेंड कैसे होगा? इसके साथ एक प्यारी सी मुन्नी आती है, ये मुन्नी आती है, इसको हमने नाम दिया स्वयं। ये बहुत शैतान है और ये बहुत ज्यादा कहना मानने वाला। हमारे अंदर एक ऐसा भी है जो कहता है हाँ पापा, हाँ मम्मा, एक ऐसा भी कहता है नो मेरी चलेगी सिर्फ। ये हमारे को क्लेश क्रोध देता है नीचे के चक्र, और ये हमारे पाप के घड़े सेट करके लाता है, और ये हमारे को शांति प्रेम आनंद दिलाता है ये स्वयं, और ये हमारा पुण्य का घड़ा है। अब ये दोनों ना एक घोड़े पे बैठे होते हैं, इस घोड़े को इंग्लिश भाषा में कहते हैं अवेयरनेस और अटेंशन। ये अटेंशन है, ये क्या करते हैं ऐसे ध्यान ले जाता मुन्ना, मेरा ध्यान इधर है, मेरा ध्यान उधर है। अब मुन्नी क्या करती है स्वयं के, हेलो मुन्ना तेरा जो ध्यान है वो ध्यान कहाँ है, उस पर ध्यान दिया? तो जैसे ही मुन्ना देखता मैं कहा देख रहा हूं, ये देख रहे हैं, मेरे अंदर ही कोई है जो देख रहा है कि अच्छा मैं कहा देख रहा हूं, वो चुप जाता है और वो चुपचाप घोड़े पे आके बैठ जाता है। तो घोड़ा क्या करता है, घोड़ा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे घूमता रहता है सारे टाइम। तो कभी कभी ये स्वयं चलाता है घोड़े को, कभी कभी मुन्ना चलाता है। अब घोड़ा जो है इसके साथ साथ इन दोनों ने रहना ही है, ये शर्त है, रहना ही पड़ेगा। यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते, दोनों आंखें हैं, थोड़ा इधर भी देखेंगे, थोड़ा इधर, आंखें इकट्ठे ही चलेंगी, इधर ही जाएंगी इकट्ठा ऐसे। यानी कि हमारी जो ध्यान है ना, क्या सोच रहा हूं यार, अटेंशन किधर है मेरी, वो अटेंशन किधर है, अटेंशन इधर है, अब ये यहां नहीं हो सकती, इट इज नॉट पॉसिबल। तो आपकी अटेंशन जहां गई है वहां आपका घोड़ा गया है, यानी कि आप अपने शरीर के किस चक्र पे गए हो अपना घोड़ा लेके, वो देखना है। जब आप नीचे के चक्र पे हो तो मुन्ना घोड़ा चला रहा है। मुन्ना की खासियत क्या है, शैतान है, वो कहता है मेरा, मुझे चाहिए है, वो अपने घोड़े के पांव दलदल में फंसा देता है और हम नीचे ही रहते हैं, बहुत लंबे समय तक नीचे रहते हैं, उतनी देर में नष्ट भ्रष्ट कष्ट परेशानी झंझट लालच लोभ तोड़ फोड़ शरीर के विकार मानसिक क्लेश, इसको मार दो उसका लूट लो, षड विकार ऑन रखता है, इसकी गन है, उसमें गोलियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और ईर्ष्या की, और डरा के रखता है और नीचे की ओर दबा के रखता है हर समय। तो इसमें क्या होता है, सारे टाइम मुन्ना घोड़ा चला रहा है। अब जैसे ही अवेयरनेस होती है इसकी, यार मैं क्या सोच रहा हूं, ये मेरे माइंड में क्या चल रहा है, उसी टाइम इतना चला गया मुन्ना, कहता हाँ तेरे साथ कोई बात नहीं, तो फिर ये ऊपर आ जाता है, और जैसे ही इलाका इसके इलाके में एंटर करता है एकदम शांति आती है। अब ये स्वयं के कहना मानता क्यों, इसे क्या कलेश पड़ा हुआ, क्योंकि मन चंचल है और स्वयं के पास ब्रेथ है, श्वास, सांस, ये सांस के रास्ते जो हमने सांस अंदर ली, इसमें क्या क्या गया अंदर, इसमें ईथर गया है, एथरिक बॉडी है हमारी, एस्ट्रल बॉडी, उस बॉडी के अंदर ये सारे चक्र है,
इस शरीर में दिखते नहीं, एक्सरे करा के नहीं पता चलेंगे, इसके कारण से ही हमारा जीवन चल रहा है, हमारा शरीर चल रहा है, और यहीं से हम रेजोनेट कर रहे हैं अपने अपने पर्टिकुलर ग्रह के द्वारा। यानी जो व्यक्ति प्लूटो के बारे में सोच रहा है, यमराज के बारे में, उस व्यक्ति के पैरों का सत्यानाश हो जाता है, यानी मृत्यु के बारे में सोचने बोलने वाले के पैरों की बैंड बन जाती है, डरे पड़े मरे पड़े। हाँ जी, जैसे अवेयरनेस के द्वारा वो एक सेकंड में ऊपर चला जाता है स्वयं के घर पे, स्वयं नाभि है, नाभि से ऊपर है पांच चक्र, क्योंकि सांस यहाँ से लेते हैं, सांस यहाँ हिट मारता है, इधर जाता है, और इधर के रास्ते ही मुन्ना भी अंदर अपने विचार लाता है, नए विचार आते हैं हर पल प्रतिपल। तो जैसे ही सांस के साथ ऊपर आया, इन्होंने बोला एक मिनट में फिर वापस ऊपर चला जाता है, अभी अभी तो पता चला, फिर भी नीचे चले गए। तो जैसे ही ये गया, उन्होंने यहां से अपने अपने ग्रहों के द्वारा किरणें खींची है फटाक से, ये ऐसा है स्वयं बहुत ताकत पकड़ रहा है, इस आदमी को बहुत अकल आ रही है, बहुत अवेयरनेस हो रही है, ज्ञान हो रहा है, मेरे को शक्ति दो। ऊपर से ग्रहों की किरणें हम कैच करते हैं इथरिक मॉड्यूल के थ्रू अपने अंदर एथरिक बॉडी में, और वो नाभि पे जैसे हिट करता है उसी क्षण हमारे अंदर अचानक विचार आता है, क्रोध का आ गया, यूं ही आता है गुस्सा, गुस्सा पैसे नहीं करते, आजा सनम तुझे गुस्सा करूं, यूं आता है, यूं एक सांस में आ जाता है, ये आया, एक क्षण में वासना होती है, एक क्षण में एक्सीडेंट होता है, जितनी दुर्घटनाएं हैं एक क्षण में होती है, और सुंदर घटना बहुत देर से, अब ये सांस आया हिट मारा उसी टाइम ये घोड़े को लेकर दुर्ग दुर्ग नीचे भाग के आ जाता है, मैं आ गया, फिर आप कहते हैं फिर नीचे चला गया, वो फिर आ जाता है, फिर शांति, या फिर मैं गुस्सा कर रहा हूं, या फिर मुझे टेंशन हो रही है, फिर मैं स्ट्रेस में, तो फिर ऊपर आ गए। स्ट्रेस में रहने वाले व्यक्ति का मतलब उसे ये पता ही नहीं कि वो स्ट्रेस में, पता पता लगना क्या मैं स्ट्रेस में हूं, जैसे ही आपको पता चले आपको गुस्सा आ रहा है, आपका गुस्सा उड़ जाएगा। इसका उदाहरण क्या है, जो जो व्यक्ति बॉडी की परेशानी रिवर्स करते हैं उनको ना पता होता है, पता, अच्छा मुझे तो शुगर है पता है, उनकी शुगर रिवर्स की ओर चलने लग जाती है, मुझे पता है मेरी किडनी में पंगा है, वो सुधार की ओर चली जाती है। पर ये करता क्या है मुन्ना, ये जाता है किडनी के पंगे करता है, फिर किडनी में प्रॉब्लम है, फिर हम पता क्या करते हैं, किडनी में प्रॉब्लम है, मेरे लिवर में है, हमें पता नहीं है। अब इसे पता करना ना जान मानिए, उसका भजन कर रहे हैं हम, रोने पिटने घोड़े को वहीं दौड़ा रहे, गोल 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 घूमे जा रहा है, किडनी पे लीवर पे रोने के पिटने पे वहीं घूम रहा है वो, नीचे ऊपर का पता ही नहीं। और वो किडनी बीमारी रहती है, वो लीवर बीमार ही रहता है, टांगे दर्द ही करती हैं 24 घंटे 12 महीने, क्योंकि वहीं घूम रहे हैं। ये अवेयरनेस ऑन करने का बड़ा भारी कला है, अगर ये आ जाए तो हम पुण्य के घड़े पे आ जाते हैं, और वहां पर ऑटोमेटिक करेक्शन, अपने आप जॉब लग गई, अपने आप मकान बन गया, ये अपने आप शादी हो जाती है, अपने आप कैसे होता है, ये तभी होगा जब ऊपर आओगे, बीमार भी तो अपने आप ही पड़ते हो, ये नीचे जाते हो अपने आप ही रुकावटें आ रही मकान बनने में, शादी नहीं हो रही, ये जो अपने आप कहां कहां एक्सपेडाइट हो रहा है, नो और यस, ये नो और यस के लिए आपको देखना है कि क्या आपकी गाड़ी मुन्नी चला रही है। आप देखेंगे मुन्नी बड़े प्रेम से गाड़ी चलाएगी, स्वयं हर काम प्रेम से करता है, आप प्रेम कैसे करते हैं, हौले 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 हो जाएगा प्यार हो सजनी, हौले हौले एकदम से थोड़ी होगा अरे प्यार हो गया, वो वासना है, ऐसे नहीं होता, वो वासना है, भाई साहब एकदम से 50,000 करोड़ कमा लिए हमने, एकदम से 50,000 करोड़ लुट तो सकते हैं, एकदम से कमाए नहीं जा सकते, एकदम से बड़े हो गए, ऐसे नहीं होता, आधे टुकड़ों में आप एकदम से हो सकते हो, ये आया फरसा काटा और स्वाहा, आपकी गाड़ी आपका घोड़ा टुकड़ू टुकड़ू कौन चला रहा है। और मुन्ना सारे टाइम यही कहेगा, बच्चे करते हैं ना बैटिंग आगे नहीं, हाँ मारो पहली बॉल पे आओ, कहते यार अब तू बॉलिंग कर, मम्मी बुला रही है मैं खेलने आया था, मेरे बस की नहीं है। ये मुन्ना ये काम करता है, और जब जब ये गाड़ी चलाता है हम नीचे के चक्र पे होते हैं, और हमारे पाप उदय हो जाते हैं जो कई जन्मों के किए हुए हैं। जब जब हमने पाप के घड़े पे पहुंचना किया, हमारे जीवन के अंदर कष्ट, रोना पिटना, दुख, दरिद्रता, सारे समय की बीमारी, हर समय का दुख, क्लेश और टूटना 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 हो, इसके प्रथम संकेत क्या है, हमारे शरीर के निचले हिस्से में कोई ना कोई खराबी जरूर हो, 1,00,000%। और जब नीचे के ही चक्र के साथ मुन्ना
ऊपर मुन्नी की भी चलने नहीं देता तो नीचे की बीमारी ऊपर भी आती है, ऊपर की ओर भी आती है। अभी डिटेल करते हैं। हाँ जी।